कि दुख तो मानव की संपत्ति है, दुख तो मानव की संपत्ति है, तो दुख से क्यों घबराता है, तो मानव की संपत्ति है, तो दुख से क्यों घबराता है, दुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा, सुख आया भी तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा, इसलिए सुख देकर जाने वाले से, सुख देकर जाने वाले से, रे मन वह क्यों भय खाता है, रे मन वह भय क्यों खाता है, दुख तो मानव की संपत्ति है, दुख तो मानव की संपत्ति है, दुख तो मानव की संपत्ति है, दुख तो क्या है सुख और क्या दुख। देखो सबके पास दुख भी आना जरूरी है और सुख भी आना है, दुख भी सदैव रहने वाला नहीं और सुख भी नहीं है, कोई ऐसा जीव। तो फिर जो सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है, तो फिर हम दुख सुख को देने वाला है, तो फिर दुख आने से हम घबराते क्यों हैं, और सुख और दुख कैसे हैं जरा जानो। सुख संध्या का वो लाल क्षितिज जिसके पश्चात अंधेरा है, सुख का वो लाल क्षितिज जिसके पश्चात अंधेरा है, दुख प्रातः की झोर फुटवेला जिसके पश्चात सवेरा है, दुख पाता के झोर फुटवेला जिसके पश्चात सवेरा है, दुख तो मानव की संपत्ति है, दुख तो मानव की संपत्ति है, दुख तो मानव की संपत्ति है, दुख संध्या का वो लाल क्षितिज। सुख बोले जैसे शाम के समय सूर्य की लालिमा ढलती हुई होती है ना, शाम को जब सूर्य ढलता है तो लाल लाल लालिमा, और उसके बाद क्या होता है, अंधेरा अंधकार हो जाता है। और दुख कैसा है, दुख बोले प्रातः काल की झुरपुट वेला, सुबह अंधेरा अंधेरा और जब रोशनी आती हुआ, दुख वैसा है और उसके बाद प्रकाश हो जाता है, दुख सदैव रहने वाला नहीं, इसलिए जब दुख रहे तो ध्यान रहे उसके बाद सुख जरूर आना है, भगवान का धन्यवाद करें, और जब सुख रहे तो आप सतर्क रहें तो उसके बाद दुख आने वाला है, झेलने के लिए तैयार रहें। सुख में सब फूले रहते हैं, सुख में सब फूले रहते हैं, दुख प्रभु की याद दिलाता है, दुख प्रभु की याद दिलाता है, प्रभु याद दिलाने वाले से, प्रभु याद दिलाने वाले से, रे मानव क्यों भय खाता है, रे मानव क्यों भय खाता है, दुख तो मानव की संपत्ति है, दुख तो मानव की संपत्ति है, तो दुख
दुख से क्यों घबराता है, ओ दुख से क्यों घबराता है। दुख तो मानव की संपत्ति है, दुख तो मानव की संपत्ति है। दुख तो मानव की संपत्ति है, दुख तो मानव की संपत्ति है। तो दुख से क्यों घबराता है, से क्यों घबराता है। दुख तो मानव की संपत्ति है, दुख तो मानव